हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी फीवर। आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़, चाइनीज़ सीरीज़ है, उसका एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, पार्ट वन। ये ड्रामा फैंटेसी है विद क्यूट रोमांस विद सम एक्शन सीन्स और थोड़ा सस्पेंस। इस सीरीज़ का नामकरण भी मैं खुद से कर रही हूँ, लव एंड स्टार। अगर किसी को इस सीरीज़ का नेम जाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड वन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बता रहे होते हैं कि सारी दुनिया तीन भागों में बटी हुई है, एक हमारा मृत्युलोक, स्वर्गलोक और राक्षसों का लोक। पर डिमोन किंग को सारी दुनिया पे राज करना होता है, इसीलिए वो हेवन रिलेम यानी स्वर्ग लोक पे युद्ध करना स्टार्ट कर देता है। पर हेवन रिलेम वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, बोलते हैं डिमोन हमारा क्या बिगाड़ देंगे। बट डिमोन किंग का पावरफुल जनरल स्टार ऑफ मोशा बहुत पावरफुल होता है और वो हेवन के गेट तक आ जाता है लड़ने के लिए। और लड़ते लड़ते स्टार ऑफ मोशा एकदम से गायब हो जाते हैं और उसी टाइम हेवन के रक्षक गॉड ऑफ वार की एंट्री होती है और वो अपनी शक्ति से सारे राक्षसों को एक ही बार में मार देती है। और बाद में अफवाह फैल जाती है कि गॉड ऑफ वार ने स्टार ऑफ मोशा को धोखे से मारा है और सारे राक्षस इकट्ठा होके स्टार ऑफ मोशा की आत्मा के कुछ हिस्से को एक जेड कप में बंद करके उसको छुपा देते हैं। अब हजार सालों बाद समय फिर से खुद को दोहराएगा और बिछड़े हुए आत्मा के हिस्से खुद ही से मिल जाएंगे, इसीलिए डेमोन रिलेम वाले स्टार मोशा की आत्मा के हिस्सों को फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सीन चेंज होके डिमोन रिलेम पे आता है जहाँ डिमोन का हेल्पर उसको बताता है कि राहु केतु फिर से इकट्ठा होने वाले हैं, मतलब उनका रियूनियन होने वाला है, हम स्टार ऑफ मोशा की आत्मा को रिवाइव कर सकते हैं। नेमे डिमोन का सेकंड हेल्पर बोलता है कि मोशा की आत्मा का कुछ हिस्सा मृत्यु लोक यानी कि मॉर्टल रिलेम में जा रहा है अपने कर्म पूरे करने के लिए। यहाँ पे डिमोन बोलता है वार ऑफ गॉड भी तो जा रहा है, मतलब दोनों साथ जा रहे हैं, दोनों साथ ही जन्मेंगे, एक ही दिन जन्मेंगे। इतने में डिमोन का सेकंड हेल्पर बोलता है कि दोनों की किस्मत में एक दूसरे का दुश्मन होना लिखा है, यानी कि मोसा और गॉड ऑफ वार की किस्मत में एक दूसरे का दुश्मन होना लिखा है। और डिमोन उसको बोलता है कि तुम पता करो कि वो फेंड्रू सिटी में कहाँ जन्मेंगे। यहाँ पर वार ऑफ गॉड और स्टार मोशा को फोगेटिंग पोशन पिला के उनको भेज रहे होते हैं, पर इतने में ही एक डिमोन कर्मा गेट पे अटैक कर देता है और वहाँ के गार्ड्स एकदम से कर्मा गेट खोलते हैं और सबको बोलते हैं कि फटाफट अंदर भाग जाओ। सभी कर्मा गेट की तरफ भागने लग जाते हैं, इतने में ही वार ऑफ गॉड को भगदड़ में धक्का लग जाता है और वो तालाब में गिर जाती है और अपनी लाइट फॉर्म में आके कर्मा गेट से मॉर्टल रिलेम में चली जाती है। अब कहानी 16 ईयर्स बाद की। सेकेंड सीनियर सभी को स्टोरी बता रहा होता है हमारी मेन लीड की कि उसके पास सिक्स सेंस नहीं है और जब वो पैदा हुई उसके एक दिन बाद उसने रोना स्टार्ट किया था और उसको सभी दफना के आ गए थे, बट वो अपनी कफन से रो पड़ी थी और सब डर जाते हैं। सेकेंड सीनियर अपनी सारी चिल्लर पार्टी लेके जुन जी को पटाखों से डराने चला जाता है। जुन जी हमारी फीमेल लीड है और जुन जी उल्टा उन्हीं के पटाखे उन्हीं पर फोड़ के उनको डरा देती है। इतने में जुनजी की सिस्टर लिंग लॉन्ग की एंट्री होती है जो कि सेकंड सीनियर के कान पकड़ती है कि तूने मेरी बहन को बुली क्यों करा, और सारी चिल्लर पार्टी को डरा के भगा देती है और युनजी को अपने साथ फ्लावर सेशन के लिए ले जाती है। यहाँ पे सीन चेंज होकर एक ब्यूटीफुल से पैलेस पर आता है और यहाँ पर डिमोन वुल्फ को कोई नहीं हरा पाता। इतने में एंट्री होती है सी फेंग की जो कि हमारा मेन लीड है और वो एक किक से वुल्फ को साइड करके और अपनी शक्तियों से उसको हरा कर उसको मार डालता है। सी फेंग के मास्टर उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि सी फेंग इतना छोटा होते हुए भी उसने इतने बड़े डीमोन वुल्फ को हरा दिया होता है, इसलिए वो उसको नेक्स्ट मास्टर बना रहे होते हैं, बट सभी मना कर देते हैं क्योंकि सी फेंग छोटा होता है। सी फेंग के मास्टर सी फेंग को फ्लावर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेने को और जीतने को बोलते हैं और सभी को बोलते हैं कि यहाँ इस पैलेस से आप सभी बाहर जा रहे हो पर कोई भी अपना मास्क नहीं उतार सकता है, ये इस पैलेस का रूल है। यहाँ सीन चेंज होकर युनजी और लिंगलोंग पर आता है जो सभी के इन्विटेशन कार्ड देखकर उनको फ्लावर सेशन के लिए आगे भेज रही थी और यहाँ पे एंट्री होती है वु टोंग की जो अपना इनविटेशन खो चुका होता है बट स्टिल अंदर जाने की जिद कर रहा होता है। पर युनजी और लिंगलोंग उसे रोकते हैं पर वो धोखे से युनजी को अपने साथ ले जाता है और हवा के ऊपर जाके युनजी को छोड़ देता है।
अपनी यूनजी जिसके पास सिक्स सेंस नहीं है और 16 ईयर्स की होने के बाद भी उसको कुछ भी मैजिक ट्रिक नहीं आती, वो नीचे गिरने लग जाती है। इतने में हमारे हीरो की एंट्री होती है जो यूनजी को पकड़ लेता है और बचा देता है। बट सीफेंग यूनजी को एकदम से छोड़ देता है क्योंकि 16 साल में पहली बार उसने किसी लड़की को टच करा था, क्योंकि मास्क पैलेस में ये रूल था कि फर्स्ट तो वो अपना मास्क नहीं उतार सकते थे, सेकेंड वो कभी शादी नहीं कर सकते थे। इसीलिए सीफेंग फर्स्ट टाइम लड़की से बात कर रहा था, इसलिए वो हकला के बात कर रहा था। यूनजी की वजह से जी फेंग के कपड़े खराब हो जाते हैं और यूनजी उन्हें साफ करने लग जाती है, तो जी फेंग एकदम से दूर हटता है और हकलाते बोलता है, मेरे को टच मत कर, दूर है मेरे से। इतने में यूनजी जी फेंग को पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज मेरे को अपने साथ ले जा, क्योंकि अगर मैं पैदल जाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी। और जी फेंग हकलाते हुए बोलता है कि मैंने तेरे जैसी आलसी लड़की ना आज तक नहीं देखी, और उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ आंट होंग और वु टोंग के मास्टर आते हैं और वु टोंग के मास्टर उसको डांटते हैं और वो लिंग लॉन्ग से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। और इतने में लिंग लॉन्ग आंट होंग को जी फेंग से मिलाने लगती है, बट ये क्या, जिंग फेंग तो मिस्टर इंडिया हो गया, बट उसकी आईडी वहां पे गिर गई, और जिसे यूनजी उठा लेती है। और नेक्स्ट सीन बताया जाता है यूनजी को उसके फादर बहुत डांट रहे थे कि तू इतनी बड़ी होगी तो अपने आप को बचा भी नहीं सकती। यहाँ लिंग लॉन्ग स्वर्गवासी माँ के सामने झूठा रोना जोर जोर से रोके अपनी छोटी बहन यूनजी को अपने फादर की डांट से बचा लेती है, बट उसके फादर बोलते कि तू 10 दिन में तलवार चलाना सीख ले। फिर यूनजी जी फेंग को उसका आईडी वापस लौटाने जाती है और उसको बताती है कि हम दोनों की किस्मत साथ में है, हमें फ्रेंड होना चाहिए क्योंकि हम दोनों की बर्थ डेट सेम है। बट जी फेंग उसकी ज़्यादा बातें नहीं सुनता और उसको वहाँ से भगा देता है। फिर जी फेंग उसकी बूंदे पीच फ्लावर से इकट्ठी करके उसकी चाय बनाने लग जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लग जाता है जिस पेड़ के ऊपर अपनी हीरोइन यूनजी सोई होती है। यूनजी को सी फेंग का पेट स्नेक डरा के पेड़ से नीचे गिरा देता है और सी फेंग की चाय बिगड़ जाती है। इतने में दोनों में फिर से क्यूट सी लड़ाई होती है और जी फेंग हकलाने लग जाता है और यूनजी उसकी एक्टिंग करने लग जाती है और जी फेंग बोलता है मेरी एक्टिंग मत कर। इतने में स्नेक जी फेंग के हाथ से छूट के एकदम से कहीं चला जाता है। यूनजी और जी फेंग स्नेक को ढूंढने के लिए गार्डन में आगे जाते हैं, बट वो गलती से एक बैरियर में फंस जाते हैं। पर जी फेंग अपनी स्पेल पावर से उस फ्लावर के टोर्नेडो को तोड़ के एक रिवर बैरियर के ऊपर आ जाते हैं। जी फेंग यूनजी को रिवर बैरियर खोलने के लिए बोलता है क्योंकि उसको फील हो रहा था कि उसके स्नेक पे अटैक हुआ है और वो इस रिवर बैरियर के अंदर है, बट यूनजी बोलती है कि वो रिवर बैरियर नहीं खोल सकती, अगर उसने खोल दिया तो उसके पेरेंट्स उसको मार देंगे। जी फेंग बोलता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू बैरियर खोल, और यूनजी अचानक से बैरियर खोल देती है और हैरान हो जाती है। और जी फेंग उसको बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू अंदर मत आना। इतना बोलकर जी फेंग रिवर वैरियर के अंदर चला जाता है। वैरियर के अंदर जाते ही जी फेंग का सामना एक बड़े से ड्रैगन से होता है और जी फेंग की आवाजें सुनकर यूनजी भी रिवर वैरियर के अंदर चली जाती है जी फेंग को सेव करने के लिए। और यहाँ जी फेंग ड्रैगन के अटैक्स को रोक नहीं पाता और पूरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाता है और यूनजी जी फेंग का मास्क हटा देती है और उसको देख के फ्लिटर हो जाती है। इतने में जी फेंग उठकर अपने मास्क का पूछता है, बट ड्रैगन उन पे फिर से अटैक कर देता है और जी फेंग यूनजी को धक्का दे देता है और यूनजी का हाथ किसी जादुई शीशे से कट जाता है और एकदम से उसके खून का कुछ हिस्सा हवा में उड़ जाता है। और बैंग, यहीं पे हमारे एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन लव एंड स्टार खत्म होती है। अगर आपको इस सीरीज का रियल नेम जानना है तो प्लीज कमेंट करो। और रही सेकंड फाइट का, नेक्स्ट एपिसोड मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो, तभी मैं अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस आपके लिए रोज़ लाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।